नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मंत्रेश्वर कृत बृहद जातक के 18वें अध्याय के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में नौकरी के लिए जाना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके, करोड़ों रुपए कमा सके। दोस्तों, यह निश्चित होता है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वही व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है और उसी क्षेत्र में जाने पर व्यक्ति करोड़ों कमा सकता है। तो इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। शास्त्र कहता है तिग मानसुर जन यत्तु शेष सहितो यंत्राश्चम कारम नरम। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि यंत्रकारी करेगा, अर्थात टेक्निकल फील्ड में जाएगा, मोबाइल का काम है, कंप्यूटर का काम है, इस संबंध के जो डिप्लोमे हैं, बीटेक वगैरह की पढ़ाई है इस संबंध की, अदरवाइज बहुत बारीक कारीगरी है, चाहे आप व्यापार करो चाहे आप इस संबंध में नौकरी करो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको जीवन में बड़ी भारी सफलता मिल जाएगी, आप करोड़ों कमा। टेक्निकल फील्ड का आपको चुनाव करना है। भौमे नागरतम, अर्थात जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में मंगल होने से व्यक्ति को ऐसे कामों में सफलता मिलती है जिनमें दिमाग ज़्यादा चलाया जाता है और मेहनत कम होती है और पैसा बहुत ज़्यादा झटके से आ जाता है। डीजल पेट्रोल से संबंधित काम है, आपका ट्रांसपोर्ट का कार्य है, सट्टा जुआ शेयर मार्केट, जो भी इस तरह काम है जिनमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, मंगल के साथ सूर्य होने से यह योग जीवन में फलीभूत होता है, तो व्यक्ति को उसी साइड में अपना दिमाग चलाना चाहिए। तीसरे कहता है बुधेन निपुणम, यदि सूर्य के साथ में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य में निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सोशल जो सर्विस है, सामाजिक सेवाएं हैं, उनका चुनाव करना चाहिए और नौकरी को छोड़ करके व्यापार की तरफ ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में भी यदि ऐसा व्यक्ति शिक्षा से संबंधित कार्य कुछ भी करता है, अपना स्कूल बनाता है, स्कूल का मैनेजमेंट देखता है, अदरवाइज कापी किताब की दुकान है, कुछ भी ऐसे काम है, तो भारी सफलताएँ व्यक्ति को, करोड़ों रुपये व्यक्ति कमा सकता है। अब आगे शास्त्र कहता है कि धी कीर्ति सौख्यान वितम, यदि बृहस्पति सूर्य के साथ में हो तो यह एक बहुत अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस व्यापार कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी को साथ में लेकर के, किसी के साथ कंप्रोमाइज़ करके पार्टनरशिप में ही व्यापार करना चाहिए। अगर नौकरी करने का इरादा है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यदि नौकरी का ऑप्शन आपके सामने है तो संयम और धैर्य के साथ आगे आप बढ़िएगा। आगे कहते हैं शुक्रेण रंगायुधई, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के, सूर्य के साथ में शुक्र विराजमान है, रंगमंच, कला, नाचना, गाना, मॉडलिंग, फिल्म लाइन में काम करना, किसी भी प्रकार की कला, गायन, वाणी संबंधित कार्यों में आपको भारी सफलता प्राप्त होने वाली है। किसी प्रकार की डिजाइनिंग यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में आप करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ होंगे तो सूर्य आत्मा है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा में कला कूट कूट कर भरी होगी, वह अपने मेहनत से, परिश्रम से, हार्ड वर्क से जीवन में बहुत आगे तक जा सकता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में शनि है, लब्धस्वम रवि जैन धातु कुशलम भांडे प्रकारेशु वा, तो व्यक्ति धातु की चीज़ों का प्रयोग, निर्माण व्यवसाय करके
जैसे कि मेटल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितना भी हार्डवेयर का सामान है, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, मशीनरी में लगने वाले कलपुर्जे हैं, उनको बनाना, उनको बेचना, या पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, मेटल से संबंधित कोई भी वस्तु की फैक्ट्री लगाना, उस संबंध में नौकरी करना, उस संबंध में व्यवसाय करना, उनको बेचना, या कमोडिटी मार्केट में आपको मेटल संबंधित चीज़ों में पैसा लगाना, यह आपको करोड़ों अरबों रुपए दे सकता है अगर शनि सूर्य के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है। अगर सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह नहीं है, दो या तीन ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है यह आपको देखना होगा। सूर्य के ऊपर जन्म कुंडली में जिस ग्रह की दृष्टि है तब यह योग फलित होगा, या सूर्य के साथ दो ग्रह होने पर व्यक्ति को दो क्षेत्रों से, तीन ग्रह होने पर तीन क्षेत्रों से धन लाभ का संयोग बनता है। दोस्तों, इस जानकारी से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको भविष्य में किन कार्यों का चुनाव करना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।